हमारी सरकार ने किया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, हमने जो आपसे एक एक वायदा किया है, हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी जो हमारे बुजुर्गों को मिलती है, हमारी माताओं को मिलती है, उसका पैसा कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया। हमने कहा हम बढ़ाएंगे और हमने 1000 रुपए से 1150 रुपए का करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के जनप्रतिनिधि हो, निकाय के जनप्रतिनिधि हो, उनका भी भत्ता नहीं बढ़ाया था, उनका भी भत्ता बढ़ाने का 15% हमारी सरकार ने किया है। वो दिन रात घूमते हैं, दिन रात जाते हैं, विकास के लिए घूमते हैं, उनका भी भत्ता बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, हमारी आशा सहयोगिनी है, उनका भी भत्ता नहीं बढ़ाया, उनका भी भत्ता 15% बढ़ाने का काम हमारी 3 महीने में हमारी सरकार ने, सबसे पहले आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी बहनों की भत्ता बढ़ाने का भी काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ईआरसीपी की योजना की कह रहे थे, इस कांग्रेस ने ईआरसीपी को लटकाने का, भटकाने का और अटकाने का काम किया था। हम किसान की स्थिति को हम जानते हैं, किसान को अगर पानी नहीं मिलेगा तो किसान की खेती नहीं हो पाएगी। और सबसे ज्यादा मुझे डी कुमेर के किसानों की चिंता थी, क्योंकि यहाँ का पानी खारा है, मुझे पता है यहाँ का पानी खारा है। हमारी सबसे ज्यादा ईआरसीपी का अगर फायदा मिलेगा तो भरतपुर जिले का मिलेगा, भरतपुर जिले को मिलेगा और हमारी डी कुमेर नदवई और हमारे क्षेत्र को पूरी तरह से मिलने वाला है। अरे पीने को पानी तो मिलेगा, लेकिन 2,80,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये योजना हमारी 37,000 करोड़ रुपए की थी, लेकिन जब मेरे पास इसकी फाइल आई, मैंने जब इसको देखा तो हमारे गन्ने के लिए पानी की आवश्यकता थी, हमारी सुजान गंगा नहर, हमारी सुजान गंगा नहर जिसमें आपको ध्यान होगा पहले हमारा अजान बांध से उसमें पानी आता था, उसमें साफ पानी आता था, गंदा पानी गोवर्धन जो गेट है हमारा उस साइड में निकल करके जाता था, उसको ठीक प्रकार से हो इस योजना को बढ़ा करके गन्ने को भी पानी मिले, सुजान गंगा को ठीक प्रकार से पानी मिले, उसको पर्यटन की दृष्टि से उसको हम ठीक प्रकार से कर सकें, उस योजना को 37,000 करोड़ की योजना को 45,000 करोड़ रुपए की किया, 45,000 करोड़ रुपए। मित्रों, इसी तरह से यमुना समझौता हमारे शेखावाटी के हैं, हमारे देवास योजना जो उदयपुर की है, हमारी माही डैम से जो जालौर के लिए पानी जाता है, नर्मदा से हमारे बाड़मेर और सांचौर के लिए पानी आता है, और इंदिरा गांधी नहर से जो हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर और जैसलमेर, बाड़मेर तक पानी जाता है, उसका भी पानी बढ़ाने का काम हमने 3 महीने में करने का काम किया है, 3 महीने में। क्योंकि जिसकी काम करने की इच्छा होती है, जो जनता के दुख और दर्द को जानता है और जो काम करने की जिसकी नीयत होती है, जज्बा होता है, कोई भी काम बड़ा नहीं होता, बड़ा सिर्फ व्यक्ति का मन होता है, उसकी करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस ईआरसीपी योजना का शिलान्यास भी हम करेंगे और आपको कहना चाहता हूं इसका उद्घाटन भी हम करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे से कहा था मुझे पता है, मैं भरतपुर के एक एक दर्द को जानता हूं, एक एक दुख को जानता हूं, और मेरे मन में यह भी है कि मुझे क्या क्या करना है, यह मेरे मन में है कि मुझे क्या क्या करना है। मेरे से कहा था, आरक्षण की बात आई थी, जाट आरक्षण की जब बात आई, मेरे को सबने फोन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, अभी तक कोई दिल्ली तक पहुंचा क्या, इस ओबीसी कमीशन के पास कोई पहुंचा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन मेरा कार्यक्रम तो यहां था कुमेर के अंदर,
यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था और मैंने शैलेश जी को उस दिन उन्होंने कहा कि मुझे कार्यक्रम में रहना है या ओबीसी वाली जाट ओबीसी की जो मीटिंग थी उसमें जाना है। मैंने कहा शैलेश जी यहां मैं हूं, आप उस मीटिंग में जाइए, दिल्ली जाइए। और मैंने उनको दिल्ली भेजा। मेरे पास सब लोगों के फोन आए, कई लोगों ने मेरे से बात कही। मैंने कहा मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। महाराज साहब का भी विश्वेंद्र सिंह जी का फोन आया। मैंने कहा चिंता मत करिए, शैलेश डॉक्टर शैलेश जी को मैं कमीशन में भेज रहा हूं। मैंने मेरे तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई है, शैलेश सिंह जी को भी उस कमेटी में नियुक्त किया है। ये कमेटी पूरी रिपोर्ट देगी और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उस दिन भी मैंने यही कहा था कि वहां तक पहुंचे हैं, आगे भी पहुंचेंगे, किसी भी कीमत पर हम उसमें जाकर के कमीशन आयोग में अपनी मजबूती से बात रखेंगे, जो हमको फायदा मिलेगा वो मिल करके रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब लोग राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा भाई राजनीति आप कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो तो हमने तो पहले ही कमेटी गठित कर दी तीन आदमियों की, और वो कमेटी ने रिपोर्ट भी वहां जाके दे दी, राज्य सरकार ने रिपोर्ट भी वो मंगाई, वो रिपोर्ट भी पॉजिटिव मंगा के हमने ओबीसी कमीशन को दे दी। ओबीसी कमीशन में वीरेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो आया हूं, मैं तो 8 दिन बाद आऊंगा। मैंने कहा नहीं, हमारे मंत्री जी आएंगे, आप बीच में आकर के एक आ जाइए और भले उसी दिन चले जाइए, हमारी कमेटी आ रही है आपको सुनिए। उनको वहां से दिल्ली बुलाया, हमारी कमेटी को हमने दिल्ली भेजा, सारी बातें हो गई, आगे बात हो गई पूरी, और पूरी तरह से कमेटी ने जो गई है उसको उन्होंने आश्वस्त किया है। मेरे से पूछा था, मैंने जो कमेटी बनाई उन लोगों को बुला करके कहा कि यह काम होना है, यह भरतपुर धौलपुर का मामला है, इसको करना है, रिपोर्ट देनी है, पॉजिटिव देनी है, वहां जाके मेरी पॉजिटिव देनी है। सभी लोग गए, उस रिपोर्ट को देकर के आए। अब ये कह रहे था वैसे नहीं, अरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं, वहां भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अरे रिपोर्ट तो हम भेजने वाले हैं, आप फालतू में क्यों कर रहे हो, आप क्या देने वाले हैं। जब हम कह रहे हैं, हम कह दिया, हमने इतना काम बढ़ा दिया, आगे शैलेश जी को उस कमेटी में रखा है, महाराज साहब का फोन आया, उनसे भी कह दिया, उन्होंने कहा था सीएम साहब बहुत अच्छा किया आपने कि आप सभी को भेज दिया और कमेटी में पहुंच गई, और शैलेश जी उस कमेटी में है, वो कमेटी जा रही है और काम कर रही है। अब आपके बीच में हमारे राम स्वरूप जी कोहली हैं, ये यहां से सांसद चुन के जाएंगे, इनको भी वहां पीछे लगाएंगे, ये भी वहां लगाएंगे कि डेली जाओ कमीशन में, जाओ हमारे आरक्षण को पूरा करवाओ, तो राम स्वरूप जी वहां करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्र, और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, आपके प्रतिनिधि के रूप में शैलेश डॉक्टर शैलेश जी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मांगते मांगते थक जाओगे, आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे एक एक बात का पता है। मैंने पहली कैबिनेट की मेरी विधानसभा के बजट में मैंने गिरिराज जी का, मैंने महाराजा सूरजमल जी के स्मारक का, महाराजा खेमकरण जी के स्मारक का, और मैंने भरतपुर से लेकर के डी के गोवर्धन जी से लेकर के रूप पास के हमारे महल से लेकर के ब्याना के पुराने किले से लेकर के इस पूरे क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ने का काम कैबिनेट की पहली बैठक में किया। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों,
आपको मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे से ज्यादा इस भरतपुर जिले को कोई नहीं जान सकता, और मेरे से ज्यादा एक एक आपकी बात क्या है, क्या आपका मन चाह रहा है। आप विश्वास करिए, आप विश्वास करिए, आपका मन क्या चाह रहा है ये भी मुझे पता है। इसलिए निश्चिंत रहिए, आराम से निश्चिंत रहिए, और आपके प्रत्याशी भाई रामस्वरूप जी कोहली हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं। आपने 14 में भी भारी वोटों से जिताने का काम किया, आपने 19 में भी जिताने का काम किया, लेकिन इस बार भी मुझे पता है आप जिताओगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन मार्जिन बड़ा होगा। मुझे एक 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 गांव का मालूम पड़ जाएगा, मुझे एक एक का मालूम पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं सभी को जानता हूं, सभी के चेहरों को जानता हूं, सभी के नाम में ले सकता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि अब की बार मार्जिन बड़ा होगा और रामस्वरूप कोहली को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना। शैली जी ने कहा है कि 5 लाख से अधिक वोटों से जिताना है, 5 लाख से। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 5 लाख वोटों से ज्यादा जिताओगे ना, हर बूथ पर कमल खिलाओगे ना, तो हाथ हाथ पूरे हाथ खड़े करिए ऊपर। अरे पंजा मत दिखाइए, इसने तो गंजा कर दिया देश को। मुट्ठी बांधिए हनुमान जी की और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोल गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।